हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एंगेजमेंट लुक लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि लुक मैंने कैसे क्रिएट किया तो आपको इस मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गुड वाइब्स का टोनर यूज़ किया है, उसे अच्छे से आप शेक करेंगे उसके बाद ही यूज़ करना। गाइस, टोनर हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसे अच्छे से ड्राई होने दीजिए, उसके बाद ही कुछ अप्लाई कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। गाइस, ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ऑल स्किन टाइप है। मैं इसे अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनशाइन का प्राइमर यूज़ किया है। गाइस, ये प्राइमर बहुत ही अच्छा प्राइमर है। प्राइमर काफ़ी ज़रूरी होता है हमारे फेस पर। फाउंडेशन से पहले हमें प्राइमर लगाना ही चाहिए। इसे मैं अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। जहाँ जहाँ आपके ओपन पोर्स है वहाँ वहाँ आप लगाइए इसे। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे इनशाइन का कंसीलर पैलेट यूज़ किया है। गाइस, ये पैलेट बहुत ही अच्छा पैलेट है। आपको एक ही पैलेट में इतने अच्छे अच्छे कंसीलर मिल जाते हैं, कॉन्टोर, कंसीलर, कलर करेक्टर। अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स तो आपको कलर करेक्टर लगाना ही चाहिए। अगर आप लंबे टाइम तक के लिए मेकअप कर रहे हैं तब भी आपको कलर करेक्टर यूज़ करना चाहिए, आपका जो मेकअप है वो ग्रे नहीं पड़ता है। इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। जहाँ जहाँ मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया है वहाँ वहाँ मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डर्मा कलर का बेस यूज़ किया है। इसमें बहुत सारे स्किन टोन कलर आते हैं, आप अपने स्किन के हिसाब से कलर ले सकते हैं। गाइस, कुछ लोग अपने नेक को कवर करना भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं अपने नेक पर भी अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये एले गल का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है अपने बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। आपका जो बेस है ना काफ़ी देर तक टिका रहता है। इसे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब गाइस, जो ब्लेंडिंग है ना वही आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है ना तो आपका फाउंडेशन अलग से दिखाई देता है। मैं अपने नेक पर भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। गाइस, बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है। आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतना अच्छा कॉम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। एक ब्रश की हेल्प से मैं अपने बेस को अच्छे से लॉक कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मालियो का जेल आईब्रो लाइनर यूज़ किया है। गाइस, इससे आप लाइनर भी लगा सकते हैं, बट मैं इसे आईब्रो के लिए यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा है ये। और उसके बाद मैं कोई भी कंसीलर की हेल्प से अपनी आईब्रो को क्लीन कर लूँगी। इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है, हमारी जो आईब्रो है एकदम क्लीन दिखती हैं, नीट एंड क्लीन। उसके बाद मैंने यहाँ पे शुगर की ब्लशर पैलेट यूज़ किया है। गाइस, ये पैलेट बहुत ही अच्छा है। आपको एक ही पैलेट में इतने अच्छे अच्छे ब्लशर, कॉन्टोर, हाइलाइटर के शेड देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लशर यूज़ कर सकते हैं, बट ब्रश की हेल्प से लगाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा अपनी नोज़ पर सेम पैलेट में से मैं अपनी ब्रा बॉन को भी हाईलाइट कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन शेड यूज़ कर रही हूँ, हल्का हल्का सा ब्लेंड करूँगी। गाइस, हमारी जो ब्लेंडिंग है ना वो अच्छी नहीं है तो हमारा आई मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये हाफ एंड हाफ का लिक्विड आई शेडो यूज़ किया है। गाइस, ये आई शेडो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये लिक्विड आई शेडो काफ़ी अच्छा है। जल्दी जल्दी में आपको कहीं जाना है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और पार्टीज वगैरह में जा सकते हैं। ब्लेंडिंग ब्रश लेके मैं अच्छे से ब्राउन शेड लेके ब्लेंड कर लूँगी। अपने लोअर लैश पे मैं ब्राउन शेड लेके हल्के हल्के से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये माइग्लैम की लिपस्टिक यूज़ की है। गाइस, ये लिपस्टिक काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, काफ़ी सॉफ्ट लगता है लगाने पर ऐसे। तो गाइस, ये रहा मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।